ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय शिव शंभु। हार्दिक स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार हमारे चैनल सनातन धर्म का संसार पर। दोस्तों, यह सारे उपाय पंडित प्रदीप मिश्रा जी की कथा से सुनकर सूचित किए जा रहे हैं, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें और ध्यान से सुने। आप सबको पता है कि सावन का बहुत ही पवित्र महीना चल रहा है और कल है 23 जुलाई, यानी कि सावन की पंचमी तिथि। अगर आप काफी दिनों से किसी भी चीज की डिमांड कर रहे हैं, महादेव से कुछ मांग रहे हैं अपनी इच्छा पूरी के लिए और आपकी इच्छा पूरी नहीं हो रही है, तो ये वीडियो आपके लिए है। पूज्य गुरु जी की कथा से सुन के बहुत अच्छे से बताऊंगा। बस लाल मिर्च की 7 दाने लेना है, छोटा सा उपाय करिएगा, आपकी सारी विशेष पूरी जरूर होंगी। इससे पहले आपको बता दूं, इस पूरी वीडियो में हम लोग उपाय की बात करेंगे जो कि आपके लिए और आपकी फैमिली के लिए बहुत अच्छे हैं। ना चलो सबसे पहले हम लोग उपाय की बात करते हैं जो कि मैंने लिख रखे हैं। मिर्च के दाने से इसको करने से कौन कौन सी इच्छाएं पूरी होंगी। जो भी इच्छा आपके मन में है, अगर आपके घर में बीमारियां बहुत रहती हैं, बहुत ज्यादा कष्ट है ना, तो इस काम को करेंगे। स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा लाल मिर्च बहुत सारे दिख रहे हैं ना, हमें इतने सारे लाल मिर्च की जरूरत नहीं है। हमें लाल मिर्च कोई सी भी एक लाल मिर्च लेना, इसमें से जो दाने होते हैं, जो इसकी बीज होते हैं ना, उनमें से गिन करके 7 बीज निकाल लेना। कितने बीज? 7 बीज निकालना, ठीक है। साथ ही साथ आपको लेना होगा इस तरीके से गुड़। गुड़ बहुत ज्यादा नहीं लेना है, बहुत ही छोटा सा टुकड़ा लेना है गुड़ का, एक छोटा सा के आगे बढ़े। फिर आपको लेना होगा, 1 मिनट फिर हमें लेना होगा इस तरीके से लाल फूल, जो भी लाल फूल आपके घर के आसपास बहुत इजीली अवेलेबल हो, कोई सा भी लाल फूल ले लेना है, ठीक है। आगे बढ़े, फिर हमें लेना होगा इस तरीके से लाल चंदन, बहुत ज्यादा नहीं, बस एक चुटकी लाल, इसकी जरूरत भी नहीं है कि पेस्ट तैयार करो, बस एक चुटकी लाल चंदन। इन सभी चीजों को एक तांबे का लोटा लेना, इसमें जल भर लेना अपने घर से, और जितनी चीजें मैंने आपको बताई है सारी चीजें इस कलश के अंदर डाल देना, ठीक है। डालने के बाद क्या करोगे, आपके बाद आप जब सुबह स्नान करते हैं, नहाते हैं, तो सूर्य भगवान को अर्घ्य जरूर देते हैं, उनको जल जरूर चढ़ाते हैं, तो आपको इस कलश का जो जल होगा कहीं और नहीं चढ़ाना है, सिर्फ और सिर्फ इस पूरे जल को सूर्य भगवान को अर्घ्य देना होगा। कितने दिन? 5 रविवार, कम से कम 5 रविवार करके देख लेना। इस तरीके से सूर्य भगवान को अर्घ्य दे देना, रविवार के दिन, हर दिन नहीं करना है, सिर्फ रविवार के दिन करके देख लेना। आपकी सारी विशेष सारी इच्छाएं बहुत जल्दी पूरी होगी, ठीक है। बहुत ही छोटा सा आसान सा उपाय था सूर्य भगवान के लिए, तो आप सभी लोग जरूर करना, ठीक है। चलो, तो पहले उपाय की बात हो गई है, आगे बढ़ते हैं। अब इस वीडियो में हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ। अब ये जो दूसरा उपाय है, ये भी है आपकी मनोकामना पूर्ति के लिए। सब कुछ करके फिर भी विश पूरी नहीं हो पा रही, इच्छा नहीं पूरी हो रही है, तो आज से इस काम को करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। क्या करना होगा? आपको दिख रहा है बेलपत्र है ना, बहुत ज्यादा नहीं, मात्र एक बेलपत्र, बहुत ही प्यारी सी लेना है, छोटी सी एक बेलपत्र ले लेना, ठीक है। साथ ही साथ आपको लेना होगा इस तरीके से पीला चंदन है ना, मेरे जो भी भाई बहन के पास अष्टगंध अदर रखा हुआ है, तो आप अष्टगंध भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई इशू नहीं, ठीक है। क्या करेंगे इस अष्टगंध को या फिर पीले चंदन को, आप क्या करेंगे, जो बेलपत्र आपने रखी है तीनों पत्तियों पे लगाएंगे। कम लगाना हो कम लगा लो, ज्यादा लगाना हो ज्यादा लगाओ, कोई इशू नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लगा लिया, उसके बाद इस बेल पत्र को उठाना और लेके चले जाना बेल पेड़ के नीचे। सुबह जाना चाहो सुबह जाओ, शाम को जाना चाहो शाम को जाओ, ठीक है। बेल पेड़ के नीचे जाना, वहाँ पर बैठना और उस बेल पेड़ की जड़ में उस एक बेल पत्र को अपनी कामना कहते हुए रख देना। डंडी रखना अपनी तरफ और पत्ती का मुख रखना पेड़ की तरफ, ठीक है। जो भी आपके जो भी आपकी कामना हो, जिस वजह से हो, उस चीज को ध्यान में रखते हुए वहाँ पर रख देना, ठीक है। विनती वगैरह करके जो बेलपत्र यहाँ पर आपने चढ़ा रखी है,
इस बेलपत्र को फिर यहीं से उठाएंगे और लेके चले जाएंगे महादेव के शिवलिंग के पास। ठीक है, फेस रखना उत्तर दिशा यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन। जो एक बेलपत्र आपने बेल पेड़ की जड़ में समर्पित किया था, चंदन लगा हुआ, वही बेलपत्र महादेव के शिवलिंग के ठीक ऊपर समर्पित करोगे श्री शिवाय का ध्यान करते हुए और एक लोटा शुद्ध जल तांबे के लोटे में लेकर और अपनी मनोकामना कहते हुए जिस भी वजह से आप अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा परेशान है, बहुत ज्यादा कष्ट है आपके जीवन में, ना उस कामना से जल को समर्पित करना। इससे जो भी आपकी कष्ट होगे ना वो दूर होंगे, जितनी मनोकामनाएं आपकी होगी सारी इच्छाएं महादेव पूरी जरूर करेंगे। ठीक है, समझ में आई क्या मेरी बात? चलो तो दो उपाय की बात यहाँ पर कर ली है, आगे बढ़ते हैं। अब इस वीडियो में हम लोग अपने तीसरे उपाय के, तीसरा उपाय क्या है, उसकी क्या फायदे हैं, उससे पहले एक छोटा सा काम और वो है वीडियो को करिए लाइक। जितने भी भाई बहन मेरी आवाज पहली बार सुन रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, चलो सबसे पहले समझते हैं कि इस उपाय को करने के बेनिफिट क्या है, फायदे क्या है। एक फायदा जो बहुत बड़ा है, हर इंसान सोचता है कि मेरे घर में भले ही थोड़ी बहुत हर चीज की कमी हो जाए बट हमारा पूरा परिवार हमेशा खुश रहे, कभी भी कोई बीमार ना पड़े। मानते हो ना इस चीज को, तो आपको क्या करना होगा, इस उपाय के लिए लेना होगा इस तरीके से पत्ती, कोई भी दो पत्ती, कोई भी मतलब दो पत्ती अरहर की, दो पत्ती जो अरहर की दाल नहीं खाते हैं वही अरहर की दाल की दो पत्ती कहोगे? भैया पागल हो गए हो क्या? अब अरहर की पत्ती हम कहाँ खोजने जाएं? हम तो दिल्ली में रहते हैं, मुंबई में रहते हैं, गांव में थोड़ी रह रहे हैं। तो अगर आपको अरहर की पत्ती मिल जाती है तब तो बेल एंड गुड है, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जिन भी मेरे भाई बहन को नहीं मिलती है तो आप दो समीपत्र लेंगे, अरहर की पत्ती अगर नहीं मिले तभी लेना है समीपत्र। ठीक है, दो समीपत्र लेना या फिर कोई सी भी पत्तियों को लेकर के पहुंच जाओगे महादेव के शिवलिंग के पास। फेस रखना उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन है ना, जो के पास में दो अरहर की पत्ती है या फिर दो शमी के पत्ते हैं उसको महादेव के शिवलिंग पे दो जगहों पे समर्पित करेंगे। अगर अरहर की पत्ती है, मेरी बात ध्यान से सुना, इस उपाय में अगर आपके पास अरहर की पत्ती है तो दोनों को, दोनों पत्तियों को महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना होगा। नील कंठेश्वर महादेव के नाम से, किसके नाम से? नील कंठेश्वर महादेव के नाम से, और उसी जो अरहर की पत्ती है उसके ऊपर एक लोटा जल समर्पित कर देना। जो व्यक्ति बीमार है उसका नाम, और ठीक है समझ में आई बात। लेकिन जिनके पास अरहर की पत्ती नहीं है, समीपत्र है, उनको महादेव के शिवलिंग पे दो जगहों पे उन समीपत्र को समर्पित करना है। पहले समर्पित करोगे, जब हम जल चढ़ाते हैं जल जैसे ही नीचे गिरने वाला होता है बिल्कुल इसके एंड पॉइंट पे, यहाँ पर आपको एक समीप रखना होगा। ध्यान करोगे जो दूसरी समीपत्र होगी महादेव के शिवलिंग के ठीक ऊपर नीलकंठेश्वर महादेव। बीमारी को दूर करने के लिए, कष्ट को दूर करने के लिए नीलकंठेश्वर का नाम लिया जाता है, तो एक यहाँ समर्पित करना और एक लोटा शुद्ध जल तांबे के लोटे से श्री शिवाय नमस्तु का ध्यान करते हुए समर्पित कर देना। आपकी जो भी कष्ट होंगे बीमारी से रिलेटेड, जो भी व्यक्ति बीमार होगा ना उसकी सारी बीमारियां खत्म हो जाएगी। ठीक है, चलो तीन उपाय तो हो गए, अब आगे बढ़ते हैं। इस वीडियो में हम लोग अपने चौथे उपाय की तरफ, उपाय आपको बताता हूँ किन के लिए है। अगर आप सब कुछ करके हार जा रहे हो, अपनी किसी कामना के लिए बहुत परेशान हो, लाइफ में कष्ट बहुत ज्यादा है, कोई बीमार बहुत है, नौकरी रही है, मतलब सारे कष्ट पूरे जीवन के भगवान ने आपको ही दे रखे हैं, ना तो इस उपाय को करेंगे। बहुत सुंदर सा उपाय है, सुनिएगा। स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर इत्र, हमें इत्र ही लेना है, किसी भी पूजा पाठ के स्टोर पे 10 रुपए में मिल जाएगा आपको। ठीक है, इत्र लेना, साथ ही साथ लेना होगा आपको बेलपत्र। कितनी बेलपत्र लेंगे? तो आपको लेना होगा 5 बेलपत्र, गिन करके 5 बेलपत्र लेना। बहुत ही प्यारी सी कटी पिटी हुई नहीं होनी चाहिए है ना, ले लिया, पांच बेलपत्र को जो आपने लिया है ये नीचे की फुट नहीं होती है, जहाँ पर मैं देखो कलर कर रहा हूँ, सर्किल कर रहा हूँ, इसी फुट पर आपको क्या करना होगा, इत्र को लगाना होगा। 5 की 5 बेलपत्र पर नीचे की फुट पे, नीचे की डंडी पे आपको इत्र को लगाना होगा। ठीक है, और इत्र लगा हुआ ये बेलपत्र लेके चले जाओगे बेल पेड़ के नीचे। ठीक है, बेल पेड़ के नीचे पहुंचना, वहां पर बैठ जाना, बैठने के बाद क्या करेंगे, एक एक बेलपत्र बेल पेड़ के नीचे रखेंगे अपनी कामना कहते हुए। लेकिन जब एक एक रखोगे ना तो यहां पर 5 नाम भी बोलने होंगे, जो पहला बेल 2 3 4
5 यहाँ पे मैं लिख ले रहा हूँ। जो पहली बेल पत्र आप रखोगे तो वो नाम लेके रखोगे भगवान गणेश का। किसका नाम? भगवान गणेश का नाम लेके रखना। जो दूसरी बेल पत्र होगी महादेव का नाम यानी भगवान शंकर का नाम लेके रखना। ठीक है, 2 हो गया। तीसरा नाम आप ले करके रखना माता दुर्गा का, माँ जगत जननी जगदम्बा माँ दुर्गा का नाम लेके तीसरी बेलपत्र रखना। जो चौथी बेलपत्र रखोगे भगवान विष्णु का स्मरण करते हुए। किसका स्मरण? भगवान विष्णु का स्मरण करके। और जो पांचवी बेलपत्र भगवान सूर्य का स्मरण। ये जो आपको मैंने 5 देवी देवता बताए हैं ये कौन से हैं? ये शिव पंचायत के नाम है। इन्हीं शिव पंचायत का नाम लेके एक एक बेलपत्र आपको बेल पेड़ के नीचे रख देना है। जितने भी कष्ट होंगे, जो भी प्रॉब्लम होगी आपकी लाइफ की ना, वो सब कुछ सही हो जाएगी। इससे महादेव बहुत खुश होते हैं। समझ में ही बात, तो इस उपाय को तो जरूर करना। यहाँ पर हमने सावन की पंचमी तिथि पे करने वाले 4 सबसे प्यारे उपाय की बात की है। कुछ समझ में नहीं आया नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं। जितने भी भाई बहन मेरी आवाज पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और हाँ, वीडियो को लाइक जरूर किया करिए। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय शिव शंभू।